प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अपने जन्म स्थान वडनगर पहुंचे। रविवार को यहां एक रोड शो किया और उस मोदी उस स्कूल में गए जहां उन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई की थी। सपूत के पहली बार गांव गाने पर वडनगर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। स्कूल, मंदिर, मस्जिद और दूसरी इमारतों की सजावट देखने लायक थी। वडनगर को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है। इसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार यहां करोड़ों की लागत मॉडल रेलवे स्टेशन बना रही है। उस जगह जहां नरेंद्र मोदी अपने पिता दामोदरदास के साथ चाय बेचा करते थे, वो स्टॉल अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टूरिस्ट को देखने को मिलेगी। वडनगर से मुंबई और दिल्ली की ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल सकेंगे। वहीं जिस शर्मिष्ठा तालाब में मोदी बचपन में डुबकी लगाते थे, उसकी शक्ल भी बदल रही है। यहां बौद्ध धर्म से जुड़ी करीब 2000 साल पुरानी जगह मिली है, जिसे विकसित किया जा रहा है। माना जाता है कि यहां बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती थी, जिससे यहां बौद्ध टूरिस्ट भी आएंगे।